जो है वो भी वॉक नहीं करनी चाहिए। या अल्लाह तेरा करा। कश्ती बना के कश्ती बन नहीं रही सही, तो बारिश आई हुई है ना बाहर, तो जबरदस्त। ये हमारे जो है वो अभी नीचे कच्ची है मकई, तो ये देखें ये हमारे जो है पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, जुबैर एक मरतबा फिर आप लोगों के साथ मौजूद है। अल्लाह ताला के फजल करम और रहमत से जो है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, बनाने जा रहे हैं पॉपकॉर्न। तो ये है ऑयल, ये मैंने जो है वो गर्म कर लिया। ओह माय गॉड, तो इसमें अभी जो है वो थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। ये देखें इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट, और हमारे पास यही मकई है। तो अभी जो है हम इस मकई को भी डालेंगे बीच में। तो बच्चे घर में मांगते होते हैं बाजू का, अच्छा आप लोगों ने ना तेल अच्छे से गर्म कर लेना है, क्योंकि ये देखें अब जैसे ही इसमें आपने डाल दिया ना ये, तो ये फूलने वाले अब बनेगा। इसको आपने थोड़ा सा फ़ौरन ढक देना है, अगर आपने फ़ौरन नहीं ढाँपा तो फिर जो है ये अच्छे से नहीं तैयार होंगे। अब जो है ये देखें, ये इसको ऐसे आपने शेक करना है, पूरी तरह से शेक करके आपने आग फुल रखनी है, ताकि ये देखें अब आग आपने थोड़ी सी आहिस्ता कर देनी है। तो बेगम अब आप बताएंगी आगे इसमें जो है ये पॉपकॉर्न में कौन सी ऐसी लॉजिक है कि लोगों से नहीं बनते, ये मकई स्पेशल होती है जी? ये मकई सिर्फ पॉपकॉर्न बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, छल्ली वाली और होती है। मैं उठा लूँ ऊपर से? नहीं अभी नहीं उठा लूँ, अभी नहीं। ये मुझे थोड़ी अभी पटाखे बज रहे हैं। तो ये देखिए अंदर से पुड़क पुड़क की आवाज़ आ रही है। तो पुड़क 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 की आवाज़ जो है वो उसका मतलब है कि हमारे जो है वो पॉपकॉर्न जो अंडर प्रोसेस है, और मुझे खुशबू भी बहुत कमाल की आ रही है। इसका मतलब ये है कि टाइम अब कम रह गया है। तो अब कौन स्टार्ट कर दूँ? 3, 2, 1, 0। ये तो फिर एक मरतबा शेक वाला काम हो रहा है, तो ये एक मरतबा फिर वन शेक दोबारा कर दिया है। ये जो है इसको तीसरी मरतबा अब हम शेक कर रहे हैं। अब इसको हमने हीट से हटा लिया, इधर हीट है और इधर जो है वो कूल, अरे कूल तो नहीं है लेकिन जहाँ पर चूल्हा बंद है। तो अभी जो है इसको उठाएंगे तो ये निकला अंदर से। ओह माई गॉड, ये देखें जबरदस्त। ये हमारे जो है वो अभी नीचे कच्ची है मकई, तो ये देखें ये हमारे जो है पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। तो इसमें तीन इंग्रीडियंट है, एक ऑयल, एक इसमें जो है वो सॉल्ट नमक है, और तीसरा इसमें मकई है। इसके अलावा इसमें कोई चौथा इंग्रीडियंट नहीं है। निकल रहा है यहाँ से, ये देखें रेडी हो गया। तो वैसे क्या करता हूँ, उसमें नमक भी पूरा है और इसमें जो है हर चीज़ ज़बरदस्त है। सुबह का टाइम है और शदीद बारिश हो रही है, तो ये देखें बाहर बहुत ज़्यादा मौसम जो है इस वक्त जो है वो ख़राब है, आप यूज़ समझ लें। ये देखें बिजली चमकी, वे और इतनी शदीद बिजली भी चमक रही है। और मैं आ गया हूँ सामने, तो मैं एक अपने व्यूअर्स को बारिश दिखाऊं सुबह के वक्त लाइव। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त मौसम, अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं आप। ये देख इतना प्यारा एनवायरनमेंट हो चुका है, इतना प्यारा एनवायरनमेंट हो चुका है मैं आपको बता नहीं सकता। आपने जरा आसमान की तरफ देख रहे हैं किस तरह बिजली जो है वो चमक रही है। तो माशाल्लाह बहुत सुहाना मौसम है, लेकिन आपको पता है कि सुबह के वक्त टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए मोस्टली बारिश जो है सुबह की होती है। तो ये देखें आप, देखें आप ज़बरदस्त। और अब आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी मेरे, ये वो मेरा ख्याल है कि मुझे आज वॉक करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये बिजली चमक रही है तो वॉक नहीं करनी चाहिए, और दूसरा जो है वो भी वॉक नहीं करनी चाहिए। या अल्लाह तेरा करा। बारिश जो है वो रुक चुकी थी, यहाँ से जगह जगह सूख रही थी, अब एक मरतबा फिर से बादल अपना जोर दिखाना शुरू हुए हैं। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है लेकिन बारिश फिर स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ तो इस वक्त मेरे साथ जहान अहमद मौजूद है। जहान
माशाल्लाह ये सुबह सुबह मैंने इसको उठा लिया, मैंने कहा बेटे आपको भी बारिश दिखाऊं, क्योंकि ये जब भी होता है तो रूम में होता है तो बहुत कम ये बाहर निकल आता है। मैंने इसे आज कहा कि बारिश दिखाता हूँ, तो बेटे वो देखिए आपको माशाल्लाह इंजॉय कर रहा है, ये देखिए कह रहा है उधर जाना है, खेल रहा है खुशी से, और इसकी मामा कह रही है ये कांप रहा है। मैंने कहा भाई कांप नहीं रहा, मेरी मेरा बेटा खेल रहा है। तो ये देखिए इसकी इंजॉयमेंट चेक करो यार, इतने अच्छे मौसम में हम जी उसके पाँव देखो जामनी से हो रहे हैं, नीचे से जामनी से हो रहे हैं, इधर से आपको नजर आ रहा है ऐसे जामनी बच्चों के पाँव नहीं होते, वो भी जबरदस्त बना हुआ है। और ये मार्ट भी बंद है क्योंकि सुबह 5:30 का टाइम है, हवा यहाँ मेरे हाथ को ऐसे ऐसे करवा रही है। वो देखे डोगी, वो देखो डोगी बेटे, वो देखो डोगी डोगी जी। इतना इंस्पायर हुआ मौसम से मैं निकल रहा हूँ, मैंने कहा सुबह का वक्त है इसको वेस्ट नहीं करना, अपने जो है पूरे वेदर को इंजॉय करना है। उसके अलावा जो है वो अगर तो बारिश तेज होगी तो वहीं से वापस मोड़ लेंगे, और अगर तेज ना हुई इसी तरह की गई तो हम लोग जो है वो एक अच्छा सा नाश्ता करना है अपने, नाश्ते करना है, तो इसलिए आपके साथ आई यार। ये देखो खड़ा है नाम चले वाला, इसे नाम चले खाए यार, इतने अच्छे होते हैं इसके, इसको 20 साल हो गए लगाते हुए। तो जी हम लोग निकल चुके हैं, मैं तो कहता हूँ स्टेशन में जाके बैठते हैं, वहाँ पे जाके इंजॉय करते हैं, बड़ा अच्छा मौसम है। मुर्गियाँ जा रही है, वो देखें ये पकड़नी नहीं है, ये तेरे वाला खड़ा है उसको 20 साल हो गया, इसका सीनियर है बड़ा भाई है, इसको 21 साल हो गया। छोटा भाई भी हो गया, हाँ छोटा भाई जो है ना वो सोया हुआ है, वो भी नहीं जाएगा। तो इंजॉयमेंट ये इतना है, मतलब आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? रियली यार मेरे तो रूह खुश हो गया, मुझे ठंड भी लगने लग पड़ी। अब चले पीछे वापस चले, जर्सी पहन के आएंगे, क्या जैकेट और कोट पहन के आना। आते नहीं हो और आ जाते हैं घूमने, ये जब भी आती हूँ तब भी बाइक बंद हो जाती है, यहाँ पता नहीं इसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। हमने फ्यूल डलवा लिया है हर बार की तरह, अब चलते हैं। चलो जी हम चल पड़े हैं, चल रहा ही था हम पहुंचे भी, पटाखे हैं जो चल पड़े हैं, हम लोग जो है वो निकल पड़े हैं। निकल पड़े क्या लाल नहीं कहाँ निकली है इस वक्त, तो बादल बादलों में से बारिश निकली है। ये देखो सुबह के वक्त क्या जा रहा है यहाँ पे, देखिए ये सारे यही पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सीढ़ियाँ बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े बांस आते हैं यहाँ पे। ये देखिए सर इसे बांस की मार्केट कहते हैं, बांस वाली मार्केट, तो ये हम बांसों वाली मार्केट पहुँच चुके हैं। ये देखो अभी भी सामान आया, वो दिन होती टीके वगैरह लाते होते हैं, कामे वगैरह होती है। आपको बांसों वाली मार्केट में देखे हैं, दिखा रहा हूँ की बांस की नहीं मैंने देखे हुए। हम जो है वो नाश्ता करने के लिए फिर एक जगह पे आए हैं सुबह सुबह के वक्त। तो क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि यार काफी देर हो गई है, नाश्ते का ऑर्डर किया होगा तो नाश्ता नहीं आया, तो नाश्ता आएगा तो उसके बाद भूख लगी है और पेट देख के लग रही रहा भूख लगी, ये हमेशा ही ऐसे रहता है। जी नान आ गए हैं हमारे, ये है मैंने स्पेशल नान हमारे यहाँ के लिए, तो हमारे चने वाले वाले तो
तो धान आ गया और अब ये चले आगे। तो हमने पाए का स्पेशल चूल्हा भी ड्राइवर को आ दिया। तो ये देखें अब कुछ ये कम्प्लीट नाश्ता है। तो बाकी जो है लस्सी का जाकर दिए, अब लस्सी के दे देना। ओके ठीक है। उड़िया बाइट, उड़िया बाइट और पाए के शोर में ऐसे कश्ती बना के कश्ती बन नहीं रही सही, तो बारिश आई हुई है ना बाहर। तो जैसे बाहर आया तो मेरा पसीना जो है वो डिस्टर्ब हो गया। हम लोग वापस जा रहे हैं, बारिश अभी भी सच्ची हो रही है।